फिर हमने क्या किया था, एनर्जी. एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी. और एनर्जी दो टाइप की, मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल इंट्रोडक्शन दे दी थी. मैकेनिकल दो टाइप की, पोटेंशियल एंड काइनेटिक. और पोटेंशियल एनर्जी दो टाइप की, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी या स्प्रिंग एनर्जी. तो हम इनको स्टडी करेंगे. सबसे पहले किसको स्टडी करेंगे, काइनेटिक एनर्जी को, और अगले लेक्चर में पोटेंशियल एनर्जी को. काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन. तो काइनेटिक एनर्जी, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक बॉडी है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, आपने इस पे फोर्स लगाई और कांस्टेंट फोर्स लगाई, नॉट अ वेरिएबल फोर्स, कांस्टेंट फोर्स लगाई और ये बॉडी यहां पर आ गई और इसकी वेलोसिटी वी हो गई. वेलोसिटी इसलिए बड़ी क्योंकि आपने फोर्स लगाई. तो इसने डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर कर ली, एस. आपको बताना है कि कितनी काइनेटिक एनर्जी इसमें स्टोर हो गई या कितनी काइनेटिक एनर्जी इसने पोजेस की. तो काइनेटिक एनर्जी, द एनर्जी पोजेस बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, मोशन की वजह से एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है. तो इसको करने का तरीका, आपने एफ कांस्टेंट फोर्स लगाई, यू इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, एक्सेलेरेशन ए है, एस डिस्टेंस है और वी फाइनल वेलोसिटी है. तो आप क्या करेंगे, इमेजिन करेंगे कि ये बॉडी डीएस 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 स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स कवर कर ली है, कर रही है डीएस डीएस डीएस. तो हम क्या करेंगे, पहले स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालेंगे, फिर टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालेंगे, ये देखने के लिए कि हमने वेलोसिटी को जीरो से क्या कर दिया, वी कर दिया. तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होगा, एफ डी एस कॉस जीरो. फोर्स क्या होती है, मास इनटू एक्सेलेरेशन. एक्सेलेरेशन क्या होता है, डीवी बाय डीटी. इस पूरी फोर्स की जगह एम इंटू डीवी बाय डीटी रिप्लेस कर दिया, एम इंटू डीवी बाय डीटी. डीएस बाय डीटी क्या होती है, वेलोसिटी वी. तो एम इंटू वी इंटू डीवी. तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन आ गया इन टर्म्स ऑफ स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी डीवी. इंटीग्रेट करके टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालें. जब बॉडी चली थी, यहां पे लिमिट वेलोसिटी की लगेंगी और यहां पर वर्क डन की लगेंगी. जब बॉडी चली थी तो वेलोसिटी जीरो थी और वर्क डन जीरो था. और जब वेलोसिटी वी हो गई तो वर्क डन लेट अस सपोज डब्ल्यू हो गया. वन डी डब्ल्यू की इंटीग्रेशन डब्ल्यू एम, वी डी वी की इंटीग्रेशन वी स्क्वायर बाई टू. एक बार वी की जगह अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट, हाफ एम वी स्क्वायर. तो आपने यानी कि कितना वर्क डन किया बॉडी को जीरो से वी वेलोसिटी पे लाने के लिए, हाफ एम वी स्क्वायर. और यही उसके अंदर क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन समझ में आ रही है, अगर पेपर में आती है कर लेंगे, ठीक है. यहां तक ये सारी करनी है, इस तरीके से हो जाएगा. यहां तक ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो कि न्यूमेरिकल में बहुत काम आएगा, कि रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम. काइनेटिक एनर्जी के क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर. इसको मास से मल्टीप्लाई, मास से डिवाइड करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक, कोई फर्क नहीं है. तो एम इंटू एम क्या हो गया, एम स्क्वायर. एम स्क्वायर वी स्क्वायर को लिख सकते हैं एम इंटू वी का होल स्क्वायर. एम इंटू वी क्या होता है, लीनियर मोमेंटम p. तो काइनेटिक एनर्जी इज पी स्क्वायर बाय 2m. तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, भूलना नहीं है, हाफ एम वी स्क्वायर या पी स्क्वायर बाय 2m एक ही आंसर देता है. क्लियर यहां तक? तो काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम का रिलेशन क्लियर है. काइनेटिक एनर्जी इज पी स्क्वायर बाय 2m या p इज इक्वल टू 2m, इधर चला गया अंडर रूट ऑफ 2m के, एक ही बात है. क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक है यहां तक?